हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपना खूब अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज ये जो दिन है, आज है वेडनेसडे का दिन, तो मॉर्निंग की ही रूटीन है ये। और सुबह में जैसे कि उठी तो मैंने झाड़ू वाड़ू सब लगा दी थी, तो आज मैंने वो वाली क्लिप ऐड नहीं करी है, सीधा मैं किचन में आ गई। तो यहाँ से जो है मेरी व्लॉग स्टार्ट होती है। तो डस्टिंग झाड़ू कर लिया था मैंने और इधर किचन में आ गई थी। आटा मैंने अभी तुरंत ही सेट किया है, 5-10 मिनट पहले लगा के रख दिया था, और बस फटाफट से भी बना लूँगी रोटियाँ। और इधर मैंने चढ़ाई हुई है सब्जी, तो आलू और टमाटर की सब्जी बनानी है सिंपल वाली। और कोई सब्जी वैसे है नहीं, वैसे बैंगन है फ्राई करना है उसको, लेकिन बैंगन फ्राई मैंने सुबह नहीं किया क्योंकि सब लोग नहीं खाते हैं, बेटा भी नहीं खाता है। तो आलू बना दिया है, कम से कम आलू की ग्रेवी के साथ जो है बेटे को हाफ रोटी हुई वो लेगा। वैसे तो रोटी वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करता है, चावल ही ज़्यादा पसंद करता है, तो वही रहता है उसका। तो मतलब रोटी से तो मतलब दूर दूर तक कोई नाता नहीं है अभी तो फ़िलहाल, वो रोटी से दूर भागता है। और बस फटाफट से बना लूँगी रोटियाँ, ज़्यादा नहीं बनानी है, और बस 6-7 ही गिन के बनानी होती है, वो भी ना रह जाती है, इतनी यूज़ भी नहीं होती है। तो इधर टमाटर आलू की सब्जी को ना बस 5 फोड़न और हल्दी नमक के साथ और थोड़ा सा बस सब्जी मसाला पाउडर के साथ जो है चढ़ा दिया है। उधर आँच को एकदम लो पे रख दिया मैंने, धीरे धीरे वो होती रहेगी और तब तक मेरी रोटियाँ भी बन जाएंगी। और वेदर अभी पहले की तुलना में अभी थोड़ा सा रिलीफ है वेदर में, आज बारिश हो रही है और जैसे लग रहे कपड़े सूखेंगे नहीं, तो कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे थे। तो वही है, जब भी वॉशिंग मशीन चलाओ ना तभी ऐसा होता है, मैं देखती हूँ। मतलब रोज़ तो नहीं चलाती वॉशिंग मशीन, मतलब जैसे कि 2 दिन बाद करके इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा कपड़े अगर जमा ना हो तो वॉशिंग मशीन क्या चलाना है 1-2 कपड़े के लिए। वैसे तो मैं हैंड टू हैंड ही अपने पहने हुए कपड़े में तो रोज़ ही धुल लेती हूँ, हाथ से ही धो लेती हूँ। वही जो बेटे के कपड़े जमा होते हैं और हस्बैंड के थोड़े बहुत होते हैं बस। तो 3 ही लोग हैं ना हमारे घर में, तो ज़्यादा कपड़े उतने होते नहीं हैं, और मैं तो हाथों हाथ अपने कपड़े तो धो ही लेती हूँ। तो वही है ना, थोड़ा सा बेडशीट वगैरह का इंतज़ार रहता है कि बेडशीट हटाऊँगी तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो फिर चलाने की रिक्वायरमेंट होती है। तो वैसे ऑफिस वेयर कपड़े जो है वो धुलते हैं, वही इसीलिए मैंने कहा आपको कि हर 2 दिन में जो है मशीन लगानी होती है, रोज़ लगाने की ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है। और बेटे के भी ना बहुत सारे कपड़े हो गए हैं पहनने के लिए, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यही है कि फटता नहीं है, मतलब एकदम पुराना भी नहीं होगा, लेकिन हाँ साइज़ में ना बच्चे का छोटा हो जाता है। तो बहुत सारे अभी न्यू क्लोथ्स ऐसे हैं ना बच्चे के कि जो छोटा हो गया है उसको बहुत ही मुद्दे माया लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा पहना हुआ भी नहीं है, एकदम छोटा सा हो जाता है। तो वही है अभी ना, मतलब हिसाब से ख़रीदती हूँ लेकिन 2-4 तो हो ही जाते हैं जितना भी हिसाब से चलो, तो कहाँ कहाँ से पता नहीं क्या है, इधर उधर से कपड़े जमा हो ही जाते हैं नए नए कपड़े। तो बच्चे के कपड़े बहुत ही कम खरीदना भी चाहिए, और कितना सोच के करो। तो वैसे फेस्टिव सीज़न आ रहा है, तो सामने फेस्टिव सीज़न है तो कपड़े तो होने ही हैं। तो वही हो ना, बच्चे के हर साल तो बच्चे बढ़ते हैं, हर साल क्या बोले, हर दिन तो बच्चे बढ़ते ही रहते हैं, तो बच्चे के कपड़े ना छोटे हो जाते हैं बहुत जल्दी। और इधर फटाफट से सारे बर्तन मैंने धुल दिए हैं आपसे बात करते ही करते। तो ब्रेकफास्ट जो है बनाना मेरा हो गया है कंप्लीट, बस ये सब्जी जो है बस इसको निकाल लूँगी एक छोटे से बर्तन में, और कढ़ाई जो है मांज के रख दूँगी, और इस कढ़ाई का इस्तेमाल मैं आगे करूँगी। बड़ी कढ़ाई अभी नहीं लगाऊँगी, क्या फिर 2 कढ़ाई अलग से लगाना, फिर ना धोने की आफत हो जाती है, वही है। तो देखिए सब्जी भी बन गई, तैयार हो चुकी है, और मैं ये सब्ज़ी बहुत दिनों बाद ही बनाती हूँ, रेगुलर बेसिस पर नहीं बनाती हूँ ये,
टमाटर ये वाली इतनी ज़्यादा खट्टी थी ना कि पूरी की पूरी सब्ज़ी मेरी खट्टी लग रही थी, मुझे वो बहुत ज़्यादा खट्टी लग रही थी। कोई कोई टमाटर होता है ना कि एक भी डालो छोटा साइज़ का तो पूरी सब्ज़ी खट्टी हो जाती है, तो मैं अगर टमाटर डालूँगी ना तो आपसे हाफ ही डालूँगी कि ये वाले सारे टमाटर चखता है मुझे जो खट्टी होने वाली है। तो ये जो नमक था ना मेरा जिसमें मैं नमक कंटेनर में रखती हूँ तो हो गया था वो ख़त्म, तो मुझे बस उसको फिल करना है। वैसे भी ग्रॉसरीज़ के आइटम जो है वो सारे अभी धीरे धीरे करके अब फिनिश हो ही रहे हैं, और कुछ कुछ आइटम तो हो ही गया है फिनिश, जैसे दाल हो गई है, मसूर की दाल वो तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, चीनी वगैरह भी ऑर्डर करने हैं, नमक तो फ़िलहाल है, और बाकी के नमक जैसे होता है ना काला नमक वगैरह तो वो सब भी ऑर्डर कराना है मुझे, ग्रॉसरीज़ के सारे चीज़ें, तो वो मैं ना एक लिस्ट करके रखती हूँ जो जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ग्रॉसरीज़ की, क्योंकि ये ना काम बहुत हेडेक वाला होता है, और ये अगर कुछ भी इधर उधर से अगर छूट जाए ना बाद में फिर ध्यान भी नहीं आता है। और ऐसा भी होता है ना कि कोई चीज़ अगर आप ना बिना चेक किए ऑर्डर दोगे ना तो एक ही चीज़ हो जाता है डबल डबल, तो फिर वो उसमें भी हो जाता है प्रॉब्लम। तो ये जो किचन संभालने का जो काम होता है ना ग्रॉसरीज वगैरह, ये बहुत माथा पच्ची का काम होता है, मुझे तो यही लगता है। अगर आप पहले से ही टाइम लेकर ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लो, क्या क्या चीज़ें जो है परचेस करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या चीज़ें हैं घर में अवेलेबल, वो सारी चीज़ें देख कर अगर आप ख़रीदोगे तो एक तो आपके पैसे भी बर्बाद नहीं होते हैं और जो है मिसयूज़ भी नहीं होता है सामान का। तो ये देखिए बर्तन में मैंने जो है सब्जी डाल दिया था, और इधर कढ़ाई को मांझ के इधर मैंने बैंगन भी फ्राई कर लिया है फटाफट से, और ये पटल जो कुछ थे मेरे पास उसको भी फ्राई मैं कर रही हूँ अभी। साथ ही साथ मैंने इधर जो है दाल भी चढ़ा दी थी ना, तो दाल भी अभी पक चुकी है, थोड़ा सा बस मैंने दाल में गाजर और छोटा सा आलू डाल दिया था मैंने, और इधर बस जीरा, एक सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा प्याज कट करके डाल दिया है, और ये अच्छे से थोड़ा सा भून लूँगी मैं ब्राउन होने तक, और दाल को इसमें कर दूँगी ट्रांसफ़र। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इस तरह से, आप दाल में एक बार तड़का लगा के देखना, ये मूंग मसूर की दाल थी सिंपल वाली। तो थोड़ा सा मैंने ना दाल को भिगो के रख दिया था ताकि ये फटाफट से जो है हो जाए, तो प्रेशर कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, स्पेशली अगर मसूर की दाल हो मूंग की दाल हो ना, थोड़ा सा भिगो के भी रख दो 5 मिनट तो बहुत जल्दी बन जाती है। तो अभी इस टाइम में मेरा नहाना वो सब हो गया था, मेरे पास अभी कुछ टाइम है, मतलब बेटे को खिलाना है इसके बाद, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है, अभी वो टीवी देख रहा है, तो अभी ना मैं जो भी कपड़े धुले थे वॉशिंग मशीन में, सूखे तो हैं ही नहीं, हैवी भी हैं गीले, तो उसको फ़ैन के हवा के नीचे रख दूँगी तो वो सूख जाएंगे। और अभी जो मैंने हाथ जो कपड़े वॉश किए जो मैंने पहना था सुबह, तो उसको मैंने धो दिया है अभी, हाथ से ही धोया है, तो उसको मैं अभी लगा दूँगी, और ये भी तो सूखने से रहे क्योंकि आज तो धूप निकलने वाली है नहीं, और सारा दिन आज बारिश ही हो रही है, और रास्ते में भी थोड़ा सा पानी जम गया है। वैसे तो मैं रहती हूँ 2nd फ्लोर में, ग्राउंड में रहती तो आफत आ जाती थी, मतलब पानी जमने से होता है ना प्रॉब्लम थोड़ा वही है, बट हमारा जो ये रोड है ना, हमारे रोड में कोई पानी नहीं जमता है, हमारे जो आस पड़ोस के जो है ना, मतलब फ्लैट्स वगैरह जहाँ भी है दूर दूर में, जो आपको घर दिखाई दे रहा है फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, तो वो सब रोड में ना थोड़ा सा पानी आ जाता है, बस हमारा ही रोड में है जो थोड़ा अभी पानी नहीं आता है, अभी तक तो नहीं आया है, 6 साल हो गया मेरा इस फ्लैट में। तो अभी ना ये सारे कपड़े मैं घर के अंदर डाल दूँगी, बाहर रखने का कोई मतलब नहीं है, पानी नहीं गिर रहा था, बस थोड़ा सा हवा लगा दूँगी ना, मोटे मोटे से कपड़े बेटे के जीन्स वाले तो वो तो सूखने से रहे, तो उसको मैं फैला दूँगी ना तो रात भर में अच्छे से सूख जाएंगे। तो घर में भी देख सकते हो अंधेरा अंधेरा सा, मैंने लाइट नहीं ऑन करी है, बाहर से ही जो हल्की फुल्की सी लाइट आ रही है उसी से काम हो रहा है मेरा। वैसे दिन में लाइट जलाने की कोई अभी ज़रूरत वैसे है नहीं, जब बेटे को खिलाऊंगी ना तब मैं लाइट ऑन कर दूंगी।
ये चादर जो है ये भी थोड़ी सी बस जो है गीली है, पतला सा ही चादर है ये। तो सुबह में जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो ये चादर जो है ना उतना गंदा था नहीं, तो ये ना पीछे की तरफ बेड के एकदम कॉर्नर्स की तरफ गिर गई थी, तो मुझे ना फिर गंदा सा लग रहा था, इसी वजह से धोना पड़ा, नहीं तो फिर धोने की ज़रूरत थी नहीं। वैसे भी बारिश का सीज़न चल रहा है ना, तो अभी तो ज़्यादा कपड़े में धो भी नहीं सकती, सुखाने में आफत आ जाती है। तो बेटे के जो भी कपड़े वगैरह हैं, पैंट वगैरह, ये सब मैं ग्रिल में डाल दे रही हूँ ताकि बाहर से जो भी हवा आ रही है उससे भी सूख जाए जल्दी से। और शाम होते होते ना मैं क्या करूँगी, 4-4:30 बजे सारे कपड़े जो ग्रिल में दिया है ना उसको भी मैं बेडरूम के अंदर रख दूँगी। और ये जो अभी तक का ये था मेरा रूटीन। और ये जो आप देख रहे हो क्लीनिंग वाली, बेटे को इस समय मैंने खिला दिया था और मैंने खुद भी जो है खाना खा लिया है। उसके बाद ये जो थोड़ी बहुत रह गई थी क्लीनिंग के लिए, ये आईने वगैरह, इसमें भी स्पॉट पड़ जाते हैं ना, हम लोग डेली फेस देखते हैं, कोम करते हैं, यहीं पर क्रीम व्रीम लगाते हैं, बच्चा का भी हाथ पड़ता ही रहता है तो स्पॉट पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा वैसे गंदा है नहीं क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ इसको साफ़ करती ही रहती हूँ, और इस तरह से जो है साफ़ रहता है मेरा घर। और थोड़ा सा मैंने बस कॉलिन लेके साफ़ कर दी क्योंकि कांच है ना, थोड़ा सा साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अगर स्पॉट पड़ जाए ना तो वो पता चल जाता है फिर। और हम लोग चेहरा भी देखते रहते हैं हमेशा आईने में, तो फिर वो स्पॉट रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी ऊपर नीचे हर जगह से मैं हाथ मार लूँगी अच्छे से पूरा शोकेस, ये मेरा शोकेस है एक्चुअली, ये रेडीमेड ही बनवाया हुआ नहीं है। तो इसको मैं हटाने के लिए कर रही हूँ, मतलब इसको हटा के मैं कुछ और वार्डरोब बनवाऊँगी या फिर लूँगी ऐसा कुछ सोचा है, लेकिन इसको कोई लेने के लिए तैयारी नहीं हो रहा है। इसको करूँ क्या मुझे समझ नहीं आता। वैसे तो जब तक के लिए मैं इसी को स्टोरेज जो है बना के रखी हूँ, वैसे हमारे इतने सारे अभी सामान बढ़ते जा रहे हैं ना दिन के दिन कि ये जगह भी ना कम पड़ जा रही है। तो ऊपर शोकेस के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्स है, मेरी डायरी वगैरह यहीं पे है, और छतरी वगैरह भी ऊपर ही रहती है क्योंकि हैंड टू हैंड हाथों के सामने रहता है ना, कभी भी बाहर जाना हुआ तो मिल जाए फटाक से ऐसे, इसीलिए मैं ऊपर ही रखती हूँ। ये बड़ी वाली जो छतरी होती है जिसमें 3-4 लोग आराम से आ जाते हैं, ये बड़ी वाली है। और छोटी वाली एक छतरी है वो शोकेस के अंदर मैंने रखी हुई है। और बेटे के टॉय हैं इसमें, मेरे कुछ कॉस्मेटिक्स के सामान हैं, और जो वॉच होते हैं ना जो हम लोग रिस्ट में पहनते हैं वो सब भी है इसी में, मतलब इस कांच वाले सेक्शन में है वो सब। और इन सब ये सारी चीज़ों को भी मैं बीच बीच में अरेंज करते रहती हूँ क्योंकि बेटा फिर निकालता है, फिर हस्बैंड का हाथ पड़ता है, तो 2-3 हाथ पड़ते हैं ना तो सामान इधर उधर हो ही जाता है। और अच्छा, आप लोगों ने नोटिस करी कि नहीं मैं बता दूँ आपको, मैंने हेयर कट करवाई थी यही मतलब 3-4 दिन पहले की बात है। तो कैसा हुआ हेयर कट, कौन सा स्टाइल है, ये देख के आप थोड़ा सा गेस करके बताना और कमेंट करना अगर आप लोग गेस कर पाए तो। तो सामने फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है, हेयर कट तो करवाना ही था। तो चलिए, अगर इसको अच्छे से मैं अभी कॉम नहीं की हूँ हेयर्स को तो अभी पता नहीं चल पाएगा। तो अगर आपको ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे ना तो ज़रूर से चैनल को अगर पूरा देखे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना ढेर सारा प्यारा प्यारा सा कमेंट छोड़ना भी ना भूलें। तो आपसे बात करते ही करते जो ये टीवी कैबिनेट है ये सब कुछ भी अच्छे से क्लीन हो चुका है, और कॉलिंग से साफ़ करो तो और भी एकदम न्यू सा एकदम चकाचक सा हो जाता है और सारे दाग धब्बे सब निकल जाते हैं एक ही बार में। तो ज़्यादा कॉलिंग का यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। हाँ, फ्रिज में जो है ना बहुत सारे स्पॉट्स पड़े हुए थे, बेटा खोलते रहता है, सुबह उठ के उसका शुरू हो जाता है फ्रिज खोलना। वैसे हम लोग भी तो खोलते हैं लेकिन बेटा तो बिना मतलब का मतलब फ्रिज खोलता रहेगा, जैसे कि फ्रिज खोलेगा तो उसको पता नहीं क्या फ्रिज से मिलने वाला है, हर हमेशा सिर्फ उसको आइसक्रीम चॉकलेट यही सब चीज़ ढूंढना रहता है फ्रिज में।
तो ये जो हैंडल लगे हुए हैं ना, इसमें भी अच्छे खासे स्पॉट पड़ जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से अभी कॉलिन से मैं साफ़ कर लूँगी। हाँ, ये हैंडल के पास में ना थोड़ा सा तो स्पॉट पड़ ही जाता है, क्योंकि डोर ओपन करो क्लोज़ करो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिंगर स्पॉट्स पड़ जाते हैं। कैमरे में सारी चीज़ें नहीं आती हैं समझ में, लेकिन सामने से बहुत अच्छा जो है दाग धब्बे पता चलते हैं, जो कि कॉलिन से बिल्कुल फटाफट से एकदम रिमूव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो बस पूरे फ्रिज में मैंने अच्छे से हाथ मार लिया है कॉलिन से, ऊपर माइक्रोवेव है उसको भी मैंने क्लीन कर लिया है, और उसका ब्लॉग मैंने नहीं पोस्ट किया है क्योंकि ब्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। नहीं तो तो एक ही बार जब कॉलिन उठाती हूँ ना, जितने घर के सामान है फर्नीचर वगैरह वो सब में मैं हाथ मार लेती हूँ। तो दोपहर के खाली टाइम में ये सब चीज़ मैं कर लेती हूँ, मतलब अपना अपना होता है रूटीन, कोई सुबह में कर लेते हैं, सुबह में मैं ज़्यादातर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे और भी काम देखने रहते हैं, बेटा भी घर पे है फिलहाल तो उसको भी देखना पड़ता है, और मेरा एडिटिंग का भी काम रहता है, ये सारे काम तो रहते ही हैं। लेकिन हाँ, करना तो डेली ही है, डस्टिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, घर की कुकिंग, ये साफ़ सफ़ाई, ये सब चीज़ें तो डेली की ही करनी है। ऐसा कुछ नहीं कि ये मैं ओकेजनली करती हूँ, ये मेरा डेली का रूटीन रहता है। तो ऊपर जो भी डस्ट हल्के फुल्के से डस्ट थे, इसी कपड़े से मैं झाड़ दे रही हूँ, और ऊपर अभी ना मेडिसिन की लाइन लगी हुई है, तो कभी इसकी तबीयत ख़राब कभी उसकी तबीयत ख़राब, अभी तो यही चलते रह रही है और रोटेट करके। तो बस ये कंप्यूटर टेबल भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और आज का ब्लॉग मैं रखूँगी यहीं तक, और जल्द ही आपसे मिलूँगी न्यू ब्लॉग को लेकर। तब तक के लिए आप और अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ध्यान रखना, मेरा ब्लॉग यूँ ही कंटिन्यू देखते रहना, जाते जाते लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना, और ढेर सारा कमेंट भी अपना छोड़ना। तो मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा एंड टेक केयर।